अच्छी बात है, इसलिए किसी तरह मैंने 4 साल उससे प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जमीन बिकवा ली 1 बीघा, दूसरे से उसने प्यार कर लिया था, मुझे धोखा दे दिया, तब मैंने उसे मार दिया। सुना आपने इस सिरफिरे आशिक का कबूलनामा। इसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। अपनी महबूबा का कत्ल करने के बाद इसे जरा भी डर नहीं है कि अब इसके साथ क्या होगा। इस शख्स को परवाह ही नहीं है कि अब ये प्रेमी से एक कातिल बन चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स रजनेश है, जिसने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। बरेली का रहने वाला रजनेश एक तरफा प्यार में ऐसा बौराया कि सरेआम लड़की को गोली मारने से भी नहीं डरा। इतना ही नहीं, इसने पहले लड़की को मौत के घाट उतारा, फिर ये सरेंडर करने पुलिस थाने भी पहुंच गया। सोमवार यानी 15 तारीख को लड़की बाइक से अपने मौसेरे भाई के साथ बाजार गई थी। बाजार से लौटते समय रजनेश बाइक से आया और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद रजनेश ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात कही, जिस पर लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो रजनेश गुस्से से लाल हो गया और इसने लड़की के बाल पकड़े और काफ़ी दूर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया, लेकिन लड़की नहीं मानी और विरोध करने लगी, जिस पर रजनेश ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। आप खुद इस कातिल की जुबानी सुनिए, आखिर क्यों इसने लड़की को मौत के घाट उतारा। तुमने हत्या क्यों की थी बच्ची? मैंने 4 साल उससे प्यार किया था, उसने हमसे बोला था कि शादी मत करना मेरे अलावा किसी और, मैंने कहा नहीं करूँगा, मेरे मम्मी पापा नहीं है सर, उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जमीन बिकवा ली 1 बीघा और उसके बाद मेरा ऑटो भी बिकवा लिया, ऑटो बिकवाने के बाद में उसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, जेवर उबर बनवाया था, अब 35,000 रुपये और भी लेके गई थी, अब दूसरे से उसने प्यार कर लिया था, मुझे धोखा दे दिया, तब मैंने उसे मार दिया। उसे प्यार करते थे, ये तमंचा उनके भैया ने ही लाके दिया था, वो मेरे लिए मारने के लिए लेके आए थे तमंचा, उस समय वो लड़की उनसे प्यार करती थी, तब उसने मुझे बताया कि मेरे भैया तुम्हारे लिए मारना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले, आप ऐसा करो ये अपने पास रख लो, तो मैंने कहा हम इसके लिए कैसे लेके आएंगे, तो बोले हम लेके आएंगे, तो वो मुझे रात में लेके गई थी, पिछली साल की बात है सर, 2020 में वो मुझे लेके गई थी। यहाँ कैसे आए तुम आज? यहाँ सर मैं खुद अपने आप के लिए सिलेंडर करने आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो कल कैसे प्लानिंग बनाई, पता था कि कहाँ जा रही थी सर? हाँ सर, ये फतेहगंज गई थी, हम मैं अपनी दुकान चलाता था पकौड़े वकौड़े की, फिर मैं वहाँ पे जाके मैंने इसने देखा, तो मैंने बाइक जाकर ली थी, एक बाइक लेके गया था मैं, और ये था इसकी मोटेरा भाई था और ये थी लड़की थी, मैं सर उधर से आ रहा था, फिर भी मोटर से देख के ये भी बोला था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी तो निकल जाता है। अच्छा, लड़की ने बोला था कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, तब सर मैंने कहा कि अब तुम अपनी औकात की, तुमने 6 गोलियां मारी, उसके बाद बाल खचड़े, कपड़े फाड़े, ये सब एक आक्रोश था या कोई? कपड़े सब नहीं मारे थे मैंने, कपड़े नहीं मारे। रजनेश के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और अब आगे की पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।